प्राइम मिनिस्टर जो कैनेडा का प्राइम मिनिस्टर दरबार साहब मत्था टेकन जाता है तुम बड़े खुश होने अच कितने कैनेडा का प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर के पॉलिटिशियन कितने ने कल्ले ट्वीटा नाल गल नहीं बननी ट्वीटा प्राइवेट कंपनियां हैंडल कर दिया ने केड़े ट्वीट लोगों तक पहुंचाने हैं केड़े नहीं पहुंचाने वो तय करते हैं तुहाडे ट्वीट डिलीट किए जाते हैं तुम फिर नहीं समझते ओही चौरासी सारा कुछ ओही जिवें एक रील पा दी गई होंगी है वह सारा कुछ उम्मीद दोहराया गया दरबार साहब की परिक्रमा दरबार साहब नूं अज किहड़ा खतरा है दरबार साहब की परिक्रमा दे विच फौज की कर रही है अज वो तुहानूं सिंबोलिक एक्ट दे रहे है तुहानूं दस रहे है कि जे तुसीं अपनी आवाज चक्की तो असी तुहाडा तख्त ढाया सी अज फिर असी तुहाडे तख्तां ते खड़े हाँ तुसीं उहनां दे सिरां ते बन्ने रुमाल देख रहे हो उन ओ अज पैरां च जुत्ती पा के नहीं आए तुसीं कह रहे हो मत्था टेकण आए है मत्था टेकड़ो मिलटरी लैके आए है वह सिविल वर्दियों के भी दरबार साहब फिर रहे है वह वर्दियां पा के भी दरबार साहब फिर रहे उन्होंने तना से पाइया वर्दियां चैक करो सिख कौम जिस मिलटरी ने सिख कौम का अकाल तख्त साहब ढाया हो सिख कौम दरबार साहब दी परिक्रमा दे विच मिलटरी हिंदुस्तान की मिलटरी तो हिंदुस्तान की पुलिस नूं किवें स्वीकार कर लूगी तुहानू अज भी सिख दे बच्चे बच्चे नूं अकाल तख्त साहब की इमारत दे विचों उस ढठे हुए अकाल तख्त साहब के दर्शन होने चाहिए है सानू होंदे है तुहानू क्यों नहीं होंदे असीं ये सारा कुछ तैयार कर रहे हैं घरे बैठे साडे कोले कोई सोर्स नहीं मीडिया नूं देख के आले दुआले सुन के सारा कुछ तैयार कर रहे हैं तुसीं क्यों नहीं करते असीं वड्डी वड्डी बिल्डिंगां ते जोर लाया होया कौम दा पैसा कौम दी एनर्जी पुठे पासे वेस्ट कर रहे हैं लोकां नूं अवेयर ही नहीं करते कैनेडा की धरती ते तुसीं गोरियां नाल रहिंदे हो गोरियां दी सोच साडे तों 50 साल अगे है पर उन्होंने अंदर लड़न का जज्बा नहीं वो तां मार खा रहे हैं दुनिया भर की डेमोक्रेसी फेल हो गई दुनिया भर के लोग कहते हैं डेमोक्रेसी फेल हो गई है इट्स अ जोक पीपल से इट्स अ जोक गोरियां नूं जदों तुसीं गल करते हो किसी गोरे नाल गल कर लो वो तुहानूं कहणगे सरकारां नूं स्टेट नूं बिलीनियर्स चला रहे हैं कुछ फैमलियां चला रही ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चला रहा है पर साडे लोग साडे लोगों की सोच कित्थे पई है वह कह रहे अमृतपाल सिंह रेहड़ी दे फरार हो गया यह साडी सोच है असी अपने लोगों को अवेयर ही नहीं कर सके पिछले 20 साल टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है तुहाडे हत्थां दे विच फोन ने पर अफसोस तुसीं फोनां दे गुलाम हो फोनां नूं अपना गुलाम बनाउणा सी तुसीं नहीं इस प्रोपेगेंडे दे विच फस गए कि तुसीं तुहाडे चों कोई मनदा है भी भाई अमृतपाल सिंह मोटरसाइकिल ते बैठ के या रेहड़ी ते बैठ के फरार हो जू पर पंजाब दी धरती ते ओह पिंडां च बैठे ओह साडियां मासूम बच्चे बीबियां ओह मन रहियां ने उहनां कोले मोबाइल नहीं हैगे उहनां कोले ओह टीवी है जो दिखाई जा रहे ओह मन्नी जांदे ते इह लड़ाई भाई अमृतपाल सिंह दी नहीं जिहड़ी लड़ाई तुसीं समझी बैठे हो यह भाई अमृतपाल सिंह दी नहीं पर वह गुरु का सिंह कल्ला लड़ रहा फिर भी इतिहास अपने आप नूं बार बार दोहरा रहा है पर असीं नहीं समझते तुसीं जिन्ने बैठे हो जिन्ने दुनिया भर के विच मुजाहरे कर रहे हो तुसीं गढ़ी के अंदर बैठे 40 सिंह हो तुहानूं खत्म करन वास्ते दुनिया भर दीआं सरकारां बाहर घेरा पाई बैठियां ने तुसी गढ़ी दे 40 सिंह हो उस वेले मुगल हकूमत हिंदू राजे वो कह रहे सी अज चमकौर की गढ़ी के अंदर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज घिरे हुए है अज चमकौर की गढ़ी के अंदर गुरु के पुत्र ने अज चमकौर की गढ़ी नूं नष्ट कर देंगे खत्म कर देंगे गुरु नूं खत्म कर देंगे गुरु के पुत्रां नूं खत्म कर देंगे तो कौम का नामो निशान दुनिया तो मिटा देंगे पर चमकौर की गढ़ी के अंदर
दशमेश पिता नगारे ते चोपा ला के उन्होंने दस रहे सी कि अपने पुत्रां दे खून दे विच खालसा ही निशान साहब नूं रंग के इन्ना उच्चा चढ़ा देंगा कि दुनिया की कोई हुकूमत इन्हू नहीं मार सकू। तुसी फिर नहीं समझते।